In this topic, we are going to analyze, calculate the electric potential of a point charge. Yeah, electric potential of a point charge. Here we have a plus Q charge. We have to find electric potential due to this charge at point P. For this, we define that the potential of any point is equal to work done in bringing test charge from infinity to that point, that is work done from infinity to that point, and divided by test charge. Test charge वो charge है जो आप ला रहे हैं. तो हम लोग जब यहाँ पर test charge को यहाँ से लाकर point P पर रखेंगे, P वो point है जहाँ potential पता करना है, तो उस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ वो सॉल्व करके यहां लिखेंगे, और इस वर्क को इस चार्ज से जिसे आप ला रहे थे उससे डिवाइड करेंगे, तो हमको पॉइंट पी का पोटेंशियल मिल जाएगा. पोटेंशियल पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल. तो यहां पहले हम लोग जाएंगे कहां, इंफिनिटी. इंफिनिटी कितना चार्ज दिए, क्यू नॉट. क्यू नॉट को इधर लेके आ रहे हैं. ध्यान देना, जैसे ही आप इंफिनिटी पे है तब तो फोर्स इस वाले का उस पर जीरो है, लेकिन जैसे ही हम लोग इंफिनिटी से आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग फील्ड के अंदर आ गए, तो अब ये चार्ज उस आगे वाले चार्ज को रिपेल करेगा. हमारी शर्त ये है कि हम इस चार्ज को ऐसे लाएं कि उसकी वेलोसिटी लगभग जीरो रहे और उसका एसएसएम भी लगभग जीरो रहे, मतलब बहुत स्लोली वो आगे आगे है. तो इसके लिए मैंने यहां लिखा है जीरो एसएसएम, जीरो वेलोसिटी. और ऐसा करने के लिए आपको पक्का एक फोर्स अपने तरफ से लगाना होगा, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव होने के कारण इस आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा ही. तो आपको जितने फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू है, हमेशा अपने हाथ से उतना फोर्स इधर लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स हो जाए जीरो. तो मैंने माना है कि किसी समय पर यह चार्ज इस वाले क्यू से क्यू नॉट की दूरी एक्स है, और इस वक्त इस चार्ज पर इधर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया गया है dx. जो ऑब्जर्वर ने फोर्स लगाया है वो है f ऑब्जर्वर. अब इस f ऑब्जर्वर और डिस्प्लेसमेंट में अगर आप ध्यान दें तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, तो थीटा जीरो है. मैंने सॉल्व किया है ये वर्क dw जो कि dx डिस्प्लेसमेंट का है, इसकी वैल्यू होगी f dx cos 0. cos 0 इसलिए क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है. f dx यहां बचा और dx का साइन माइनस है, इसलिए ये माइनस है. अब dx का साइन माइनस क्यों है, क्योंकि पहले ये चार्ज से ये चार्ज ज्यादा दूर था, जैसे-जैसे हम लोग पास आ रहे हैं ये दूरी x घट रही है. जब कोई चीज डिक्रीज करती है तो उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव. तो हमने इसलिए यहां पर लिखा है नेगेटिव, क्योंकि dx इज नॉट डिस्टेंस, dx इज नॉट डिस्टेंस, इट इज चेंज इन डिस्टेंस. चेंज इन डिस्टेंस इज नेगेटिव बिकॉज़ इट इज डिक्रीजिंग. तो हम लोग यहां पे इसलिए इसका साइन यहां माइनस ये लगाया है. अब मैंने फोर्स की वैल्यू लिखी कूलम्स लॉ से, 1/4πε0 पहला चार्ज q, दूसरा चार्ज q0, और उनके बीच की दूरी इस वक्त है x, तो x स्क्वायर. ये फोर्स की वैल्यू, ये फोर्स की वैल्यू यहां पुट कीजिए तो आपको इस dw की वैल्यू मिलेगी -1/4πε0 qq0 / x² dx. ये माइनस साइन आप कीजिए बाहर, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 डी बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वही होगा जो एक्स के साथ होगा, इसलिए आपने इसको किया बाहर. अब यहां बचा है केवल 1/x² dx, और ये 1/x² dx का इंटीग्रेशन -1/x होता है. लिमिट इंफिनिटी से आ रखी गई है, उसका कारण क्या है, हम लोग दूरी यहां से नाप रहे हैं, कहां से, यहां से पहले वो इनफाइनाइट पे था तो उसकी दूरी थी इनफाइनाइट, और लास्ट में हमको p तक लाना है, तो इसकी दूरी यहां से यहां तक की r आपको गिवन है. तो यहां लिखते हैं सबसे पहले वाली वैल्यू, यहां लिखते हैं सबसे बाद वाली वैल्यू, तो ये इंफिनिटी से r. अब इसका इंटीग्रेशन -1/x, अब ये माइनस मैंने कर लिया है बाहर, क्योंकि इस माइनस कर देगा प्लस, ये टर्म एज इट इज है. यहां पे एक बार आप r लिखेंगे तो 1/r माइनस साइन लगाएंगे, फिर 1/∞ इज 0, तो ये 1/r बचा केवल इसके साथ, यानी ये आपका वर्क आ गया
और इस वर्क की वैल्यू को जब आप इस डिफिनेशन में पुट करते हैं तो Q नॉट टर्म जो वहां आया है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये इस पॉजिटिव चार्ज Q का R दूरी पर पोटेंशियल है। यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज नेगेटिव रहा होता तो जब आप टेस्ट चार्ज ला रहे होते तो ये चार्ज उसको अट्रैक्ट करता, यानी वो चार्ज अपने आप आता। तो जो चार्ज अपने आप मूव करके आएगा यानी उसमें आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा तो उसका वर्क साइड नेगेटिव आएगा और वर्क नेगेटिव आएगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। इसलिए मैंने लिखा है द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज इज माइनस क्यू बाई आर। तो हमारे पास लॉजिक ये बना कि अब हम लोग ये कहेंगे कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू और जब कोई नेगेटिव चार्ज होगा माइनस क्यू तो इसका पोटेंशियल होगा क्यू बाई आर, आर दूरी पर इसका पोटेंशियल भी होगा क्यू बाई आर, लेकिन अब क्यू यहां भी माइनस लिखेंगे साइन। और अगर ये दोनों चार्ज होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि एकदम मिडिल पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, अब क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है यहां प्लस है यहां माइनस है और मिडिल पे है, मान लीजिए दोनों दूरी भी डिस्टेंस भी इक्वल है तो इसका प्लस क्यू बाई आर और इसका माइनस क्यू बाई आर, उसको आप एल्जेब्रिक मतलब आप उसको भी साइन जोड़ेंगे तो ये वो कैंसिल हो जाएगा। यानी पोटेंशियल सॉल्व करते समय हम लोग हर चार्ज का साइन लिखेंगे और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बोलेंगे क्यू बाई आर। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि जैसे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है अरे भैया बोलो क्या है, और इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं तीन, तो दो पर तो प्लस क्यू चार्ज रखा है, दो पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, इसकी साइड है आर और पॉइंट पी पर पोटेंशियल बताना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको पहले ही डिसाइड कर लो कि चार्ज वो कैसे है पॉजिटिव, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाई आर, तो यहां पोटेंशियल आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई आर प्लस इसकी वजह से कितना आएगा सेम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई आर। और है ये कैसा कैसे डिजिटल क्वांटिटी है स्केलर, इसमें आपको ये डायरेक्शन 60 डिग्री इससे कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ध्यान ये रखिएगा कि अगर इसमें से मैं एक चार्ज नेगेटिव कर देता तो यहां पोटेंशियल जीरो आता, हां है ना, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस, तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, और अगर मैं दोनों कर दूं माइनस तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी, तो ऐसा आएगा आपका माइनस टू टाइम्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो सब लोग आप फॉर्मूला बोलेंगे पोटेंशियल का, पोटेंशियल का फॉर्मूला सब लोग बोलेंगे क्यू बाई आर, क्या क्यू बाई आर, जिसमें क्यू क्या है चार्ज विद साइन, तो प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा क्यू बाई आर, माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा माइनस क्यू बाई आर। डायरेक्शन आपको देखनी नहीं है, आप जो वैल्यू आती जाए सबको जोड़ने चले जाइए आपका आंसर आ जाए। ये समझ में आया ठीक, इतना पक्के है।